बाजार वाले कैसे बनाते हैं मसाला डोसा का आलू, तो वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सेम रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ किस तरह से आप घर में बना सकते हैं डोसे के आलू। तो मसाला डोसा अगर आप बना रहे हैं तो आलू आपको कैसे बनाने हैं तो उसकी रेसिपी मैं सिखा देती हूँ। इस तरह से अगर आप आलू घर में बनाएंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप खाते ही रह जाएंगे और बिल्कुल आपको मार्केट का टेस्ट आएगा, इनफैक्ट मार्केट से भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलू ले लें। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बॉयल किए हुए आलू ले लिए, उसको छील लिया और उसके बाद में इसको हाथों से इस तरह से मैश कर दिया। आप चाहे तो इनको बिल्कुल बारीक भी मैश कर सकते हैं, मैंने इनको मोटा मोटा मैश किया है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डालना है तेल, तो 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसको गर्म करके इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब राई या सरसों, कोई भी एक चीज़ ले लें और उसको अच्छे से चटकने दें। बहुत बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है इससे ऑयल में। और इसके बाद में जैसे ही हमारी राई या सरसों जो भी आपने डाली है चटकेगी, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दें। इसके अलावा 2 दालें भी हमें डालनी है। दालों में हमें डालना है 1 चम्मच के करीब चना दाल, नॉर्मल दाल है जो हम घर में यूज़ करते हैं चने की दाल, और ये है धुली हुई उड़द की दाल यानी कि बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, ये भी मैंने 1 चम्मच डाली है। 2 सूखी लाल मिर्चें तोड़कर हाथों से डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को कुछ सेकेंड इस तरह से धीमी आँच पर भून लेंगे। जैसे ही हमारी दालों में हल्का सा कलर आएगा, दालें हमारी हल्की सी भुन जाएंगी, वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक। तो दालों को मैंने हल्का सा भून लिया, अब इसमें 1 पिंच के करीब हींग भी ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक काट कर ऐड करेंगे। इसके अलावा 3 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है यानी कि कद्दूकस कर लिया है, वो भी डाल देंगे। 1 बड़े साइज की प्याज लिए मैंने, बारीक काट लिया है उसको, वो भी डाल देंगे। प्याज को आप चाहें तो लंबा लंबा काट कर भी डाल सकते हैं। और फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दें, मीडियम से हाई के बीच में कर दें, मीडियम हाई रखें और इसके बाद में लगातार चलाते हुए प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। तो बीच में ही हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, साथ ही थोड़े से करी पत्ते भी डाल देंगे। तो करी पत्तों के बिना तो फ्रेंड्स आप कोई भी साउथ इंडियन रेसिपी बनाएं बिल्कुल अधूरी है। तो करी पत्ते आपके पास हैं तो ज़रूर ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर दें। तो गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है, अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद में हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट लिया और इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को अब हमें गलने तक पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, एकदम मशी नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं, लगभग 1.5 चम्मच नमक इसमें चला जाएगा। 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा लाल मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें 1/2 से 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, अच्छे से मिला लीजिए। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पर आलू को हमने हाथों से मैश करके रखा है, आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आलू को बॉईल करें और उसको कद्दूकस कर लें और उसके बाद में ऐड करें, जैसा आपको पसंद हो। बहुत सारे लोगों को आलू के थोड़े चंक्स पसंद आते हैं और बहुत सारे लोगों को जो आलू की भाजी होती है, डोसे की जो भाजी होती है, वो एकदम मैश मशी पसंद होती है, यानी कि उसका एक मिक्सचर सा होना चाहिए। तो जो भी आपकी पसंद हो उसके हिसाब से आप आलू डाल सकते हैं। अच्छे से आलू को मिला लें, मसाले में अच्छे से कोट कर लें, मिक्स कर लें। और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर 1/2 नींबू लिया है, तो नींबू को काट कर हम इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छी खटास आएगी। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह आप इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लगभग 1/2 से 1 चम्मच आप इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दें। मैंने 1/2 नींबू का रस डाला और इसके बाद में मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया, हरा धनिया काट कर डाल दिया, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो फ्रेंड्स अब इसको हमें मीडियम फ्लेम करके लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है, तो ढक देंगे हम इसको और ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो ढक्कन लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो डोसे की भाजी है, आलू भाजी है या डोसे वाले आलू, जो भी आप बोलें, बाजार जैसे डोसे के आलू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपको इसमें थोड़े चंक्स नज़र आ रहे हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए और तैयार है हमारे डोसे वाले आलू। इसको मैंने थोड़ा गीला गीला रखा है क्योंकि तभी ये बहुत अच्छे से डोसे पर स्प्रेड हो पाएगा। तो फ्रेंड तैयार हैं यहाँ पर हमारे डोसे वाले आलू। आप भी इस आलू की रेसिपी को, आलू भाजी को घर में बनाकर जरूर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। इसको ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और आराम से 4 से 5 दिनों तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको आटा डोसा बनाने में, दाल चावल का डोसा बनाने में, रवा डोसा बनाने में यानी कि सूजी डोसा बनाने में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आटा डोसा तो आप झटपट बना ही सकते हैं, रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और मसाला डोसा की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो आप ये एंजॉय कीजिए बाजार जैसे डोसे के आलू, बनाकर देखिए, खाकर देखिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।